हाय व्हाट इज अप गाइस, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक्चुअली काफ़ी मुझे, मेरे सब्सक्राइबर्स तो नहीं है बट मुझे मैसेजेस काफ़ी आते हैं इंस्टाग्राम में ले लो या तो फिर ईमेल हो गई, मुझे आते हैं कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, मोस्टली तो लड़कियाँ ये टॉपिक है यहाँ पे, लड़कियों के ऊपर वीडियो बनाओ कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं क्या कहती हैं इंडियंस के बारे में, उसके बारे में। तो ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया, थोड़ा इसको आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड किया हूँ, उसमें थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज ऐड करी है मैंने, क्योंकि रशिया मैं जो लड़कियां हैं यहाँ पे, चाहे रशियंस बोलो, ये अपनी लैंग्वेज ही प्रेफर करते हैं, इन्हें वही आती है, वही बोलते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और जो बोलते हैं बहुत ही टूटी फूटी बोलते हैं, और उनसे अगर कुछ अगर आप ज़्यादा बात करोगे इंग्लिश में तो उनको फिर समझ भी नहीं आती कि क्या कुछ पूछ रहे हैं और क्या जवाब देना है। तो इस वीडियो में जो भी ये लड़कियाँ कह रही है उसको मैंने, उसके कैप्शंस को मैंने इंग्लिश में डाल के उनके आप लोग के लिए ईजी किया कि वो क्या कह रही है समझ जाएगा आपको, और जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उनके लिए तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको इंग्लिश भी नहीं आती है और रशियन भी नहीं आते, तो आपको रशिया में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ कुछ काम नहीं होने वाला। अगर आप लड़कियों में इंटरेस्ट हो या काम के लिए आना चाहते हो यहाँ पे, एज ए स्टूडेंट आना चाहते हो, तो आपको कोर्स पहले लैंग्वेज यहाँ पर सिखाएंगे वो, उसके बाद आपका काम चलेगा। तो देखिए इस वीडियो में ऐसा कोई मैंने ज़बरदस्ती वो नहीं बनाया कि इंडियंस के बारे में क्या बोल रही है और हम इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा नहीं है। एक जनरल एक का उनको एक टॉपिक है कि आप फॉरनर्स के बारे में क्या डेटिंग करना पसंद करते हो, अगर करते हो तो उस कंट्री के फॉरनर को डेट करना पसंद करोगे आप, तो ये उनके व्यूज़ है, एक जनरलाइज व्यूज़ है उनके, है ना। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 8-10 लड़कियाँ कह रही है, तो उसमें से जो भी परसेंटेज है वही परसेंटेज यहाँ पर चल रहा है, और उसी को एक आप ले सकते हैं, क्या कहते हैं, एक बेस ले सकते हैं कि यहाँ का ट्रेंड ये चल रहा है यहाँ पे लड़कियों में, बड़े सिटीज़ में मोस्टली, और छोटे सिटीज़ का मैं मुझे आइडिया नहीं है, मैं गया नहीं हूँ, साइबेरिया वगैरह हो गया और भी छोटे यहाँ पे टाउन्स हैं वहाँ का मुझे आइडिया नहीं, बट मोस्टली जो मॉस्को हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग में जो ट्रेंड चल रहा है वो आप देखिए, कुछ लोगों ने वीडियो भी शेयर किया उसके हिसाब से मैंने बना के आप लोगों के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड किया, इसे कुछ काम का होगा आप लोगों के समझ में आएगा, तो देखते हैं वीडियो। Okay, what country? Italy. Why Italy? With Russia. Sure. With Russia. Ну красивые там. That's it. And you? So. Listen. Okay. What Italians have that Russian don't have? Харизма какая-то своя. Do you want to date a foreigner? Может быть, возможно. What country should we go? Не знаю. Турция или Арабские Эмираты. Почему? А вы? У них денег много. Я не знаю. Вообще, слава совсем. So what is the most important thing in relationship? Возможно, деньги. А возможно, ну, наверное, да. What about love? Ну, это приложится. Would you like to date a foreigner? Смотря какая нация. Which nation you would prefer? Ну, русский мужчина. Да? And among foreigners? Думаю, что нет. What if an Arab comes and takes you to Arab from Russia? Не, мне не нравится. Мне нравится темперамент иностранцев. Мне нравится русский мужчина. And how are Russians different from foreigners? Ну, у меня просто был опыт общения именно с иностранцами. Там, в основном это марокканцы всякие, такие горячие. Скажем так, слишком как-то, ну я не знаю, сейчас, уже это вырежете, пока я думаю, да? Как бы сказать, слишком многого хотят, говорят, сделай то, сделай это, а взамен, вот как будто есть какой-то четкий список, которого должна придерживаться я, чтобы мне давали что-то взамен, если я этого не делаю, то мне ничего не дают. And what questions do you have? Ну, тут мужчины не такие требовательные, скажем так, более лояльные.
Will you date a foreigner? Is it a no? Судьба пойдет. Это нет? Ну, возможно, да. And why? Интересное знакомство, новое общение. Всегда интересно узнать о других людях, как они живут, их интересах, особенности жизни, семейной. What if you do not speak Russian at all? Нашли бы общение, общий язык на английском. Я думаю, да. And what country will choose a man for friendship? Тяжело сказать. Maybe someone you like more than other? Добрый американец. African-American, really? Не знаю, интересная внешность. Не от мира сего. Will you date a foreigner? Не знаю. Ну, с каким иностранцем? That is interesting. Откуда из какой страны? What kind of foreigner you'll be interested in? Какие-нибудь испанцы. Да. С европейцем с каким-нибудь, да. Почему? Там культура хорошая, к нам близкая, к России. Вот. А другие национальности... Уже так все отличаются. Странные. Ну, мне кажется. What is it about foreigners that Russian does not have? Не знаю. Мне, если честно, русские парни больше нравятся. Мне кажется, что в русских нет такой высокой культуры. Вот. И обходительности. Ну, да, почему бы и нет? Азиатские, возможно, европейские спокойно. Смотря какой человек, типа, я не различаю людей по нации. Нет. Если с человеком комфортно, если барьер какой-то традиционный, языковой, также возможно преодолеть, то почему нет? Я бы, наверное, не смогла. С иностранцем, наверное, нет, потому что это разная культура, например, испанцы, они другой темперамент и так далее. Да, но смотря с каким. Ну, например, Германия, там, Норвегия. Это викинги. Язык, я думаю, да, но все можно выучить, это же не проблема, если захотеть. Нет. Не знаю, сложный вопрос. Потерять языка, наверное. Но если он был бы красивый, то да, и тренингах. Я не знаю, мне надо посмотреть сначала на внешность. Возможно. Мне кажется, не зависит от того, где человек вырос, где он жил. Главное, что хороший человек. Если он знает русский язык, да. Если нет, то нет. Не знаю. Турция. В Италии красивые люди. 50-50. Это разная культура, разный менталитет. Понравлюсь ли я его там родителям, допустим. Да, почему нет? Ну, это какой-нибудь европейский, почему нет? Ну, я английский плюс-минус знаю, но как бы подтянуть было бы очень здорово, на самом деле. Почему? Ну, сейчас у меня есть молодой человек, и, ну, мне больше важно личное общение, видеть сейчас, да. Наверное, США. Я просто тоже смотрела в интернете. Там говорили, что США намного больше ценят русских женщин, чем даже в России. Наверное, американцы. Наверное, Испания или Италия. Наверное, испанцы. Итальянцы. Это на самом деле очень сложный вопрос, но, наверное, в России очень красивые мужчины. Конечно же, американцы. Ну, французам мне еще нравится. Ну, не знаю, наверное, США. Испанцы. तो ये है यहाँ पे लड़कियों के व्यूज़ मोस्टली सबके यही आसपास के ही व्यूज़ है ना किसी को अगर पसंद है तो कौन सी कंट्रीज़ के पसंद है वो लोग कह रही है आपने सुना और जैसे किसी को अमेरिकन पसंद है किसी को यूरोपियन इटालियन ज़्यादा पसंद है यहाँ पे और टर्की के ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद है मैंने पहले पिछले वीडियो में ही बताया कि टर्किश यहाँ पे काफ़ी नंबर मतलब उनका काफ़ी फेवरेट यहाँ पे माने जाते हैं टर्किश और इंडियंस यहाँ पे बिल्कुल भी फेवरेट में नहीं आते ऊपर के पहले भी लास्ट वीडियोस भी अगर आपने देखा होगा किसी ने इसमें से अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हो गए थे उन लोगों ने अपने व्यूज़ भी शेयर किए थे उस वीडियो में मैंने बताया था कि इंडियंस बिल्कुल भी फेवरेट कंट्रीज़ में नहीं आते यहाँ पे जिनको रशियंस डेट करना चाहती हो हालाँकि इंडियंस के लिए रशिया बहुत ही फेवरेबल कंट्री है जिसको चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे डेट करें और यहाँ रहे यहाँ शादी करें या जो भी आप लोग के एक थॉट्स है उसके हिसाब से रशिया काफ़ी नंबर वन पे आता है हमारे देश में और
यहाँ के हिसाब से हम लोग नंबर 10 में भी नहीं हैं, और इनके हिसाब से यूरोपियंस हो गए जो काफ़ी सिमिलर हैं आपकी, जो इनकी यहाँ का जो कस्टम्स और कल्चर और जो भी उससे थोड़ा सिमिलरिटी रहती है यूरोप की, तो यूरोपियंस को प्रेफर करते हैं, और जो थोड़ी मनी माइंडेड है वो अमेरिका हो गया या अरब हो गया उनको प्रेफर करती है, क्योंकि जो सिर्फ पैसे में विश्वास रखती है कि रिलेशनशिप पैसे से चलेगी, उनके लिए अमेरिकन्स हो गए या फिर अरब्स हो गए। तो ये सब क्राइटेरिया है यहाँ पे। अगर आपके पास भी पैसा है लेकिन ये गारंटी नहीं है, आपको लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। होप है वीडियो आपके काम करा होगा, और देखते आगे और कोई टॉपिक को लेके वीडियो बनाते हैं। मोस्टली टॉपिक्स तो मुझे ये मिल जाते हैं कि आप लड़कों से पूछो यहाँ की लड़कियों के बारे में, लड़कियों से पूछो हमारे यहाँ के लड़कों के बारे में, यही आता है टॉपिक। बट ये कोई इसमें मुझे डेप्थ नहीं लगता है कि आप लोग इसको ज़बरदस्ती 10 लोगों से 10 यूट्यूबर्स को आप लिख के बोलो कि ऐसा पता करो, उससे पूछो, ये पूछ के बताओ, लड़कियों से पूछ के बताओ, जिसमें से आप चाह रहे हो कि भैया एक कहते हैं ना भूसे के अंदर से ढूंढना, कि हर कोई आप बोल दे कि हाँ यहाँ पे इंडियंस मतलब आपका अच्छा खासा यहाँ पे आपका वेलकम होगा और आपके साथ में रिलेशनशिप अच्छी चलेगी इंडियन बोलने के बाद। अगर आप ये ज़बरदस्ती सुनना चाहते हो तो आप और 1000 यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो, और उसके बाद उससे बेटर है कि आप यहाँ पे आइए और ट्राई करके जाइए यहाँ पे, और अपना एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो यहाँ पे कमेंट्स में लिख दो। कोई है यहाँ पे इंडियन जो है जिनके अच्छे एक्सपीरियंस है या ख़राब एक्सपीरियंस, अगर कोई देख रहा है वीडियो तो अपने कमेंट में डालो, ताकि दो लोगों को समझ में आए कि क्या है यहाँ, क्या नहीं है, आना चाहिए रशिया की नहीं आना चाहिए। बहुत से यहाँ पे आ रहे हैं स्टडी वीज़ा लेके आ रहे हैं ताकि यहाँ रहने पर लंबा मिल जाए। कुछ यूट्यूबर्स को भी मैं जानता हूँ जो यहाँ पे आके रुके हैं स्टडी वीज़ा लेके, ताकि यहाँ लंबा रह सके, और यहाँ पे उनको जब पता चलता है कि यूनिवर्सिटी कहीं बाहर जाने नहीं देती है तो यहाँ से फिर थोड़े थोड़े काम करके वापस निकल लेते हैं, और रिलेशनशिप इतने आसानी से नहीं मिलती है। साल साल भर रुक जाओ यहाँ पे, आप नहीं होगा आपका, अगर होना तो तुरंत हो जाएगा, नहीं होना तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई डिस्करेजमेंट नहीं है, मेरी तरफ से बस एडवाइस है। वीडियो को देखिए, खुद समझिए, और बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं ये सब गलत है तो यहाँ आके खुद एक्सपीरियंस करिए और अपने व्यूज शेयर करिए यहाँ पे कमेंट में, या कहीं और पे भी कमेंट में करिए, ताकि दूसरे लोगों को समझ में आए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। हम लोग देखो बना रहे नहीं बना रहे, आप लोग डिसाइड करिए। सो दैट इज़ इट, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता है। होप आपको समझ में आएगा, नहीं भी आएगा तो आप कोशिश करिए समझने की, और भी रिसर्च करिए, और भी वीडियोस देखिए, और अपना अंदाजा खुद लगाइए, खुद का कैलकुलेशन बैठाइए क्या है क्या नहीं। तो इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं जल्दी, और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, जो भी अगले ब्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय गाइस।